الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقول السيدين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لاؤڈ اسپیکر خراب ہو چکا ہے ज्यादा मुझे बेचैनी है पटेल पार्क की अहम तरीन मजलिस आपका और मेरा इंतजार कर रही है, इसलिए चंद दकीके बेतबार जहमत यहां भी सर्फ हो और एक मुख्तसर सा पैगाम इस मजलिस के जरिए आप तक पहुंच जाए। सूरह अनआम की चंद आयतें इस मौके पर महफूज रहे। हजरत इब्राहिम के लिए इरशाद होता है, फलम्मा जन अलैहिल्लैल रा कौकबा, जब रात हुई, रात की तारीखी छा गई, इब्राहिम ने सितारे को देखा, आला हाजा रब्बी, इब्राहिम ने कहा यह है मेरा रब। वलम्मा अफला, जब वो तारा डूबा, आला ला उहिब्बुल्ला फिलीन, इब्राहिम ने कहा मैं डूबने वालों को दोस्त नहीं रखता हूं। वलम्मा राल अमरा बाजगन, जब चांद को चमकता हुआ पाया, काला हाजा रब्बी, कहा यह है मेरा रब। वलम्मा अफला, जब ये चांद डूबा, काला लई लम यहजनी रब्बी लअकूनन मिन अज़्ज़ालिमीन, अगर मेरा परवरदिगार मेरी हिदायत न करता तो शायद मैं रास्ते से हट जाता। वलम्मा राशमसा बाज़ग़तन, और इस तरह से तारे के बाद चांद और चांद के बाद सूरज को जब चमकता हुआ पाया, कौला हाजा रब्बी हाजा अकबर, ये रब है शायद इसलिए कि ये सबसे बड़ा है। वलम्मा अफलत, और जब सूरज भी डूबा, काला या कौमी इन्नी बरी हूं मिम्मा तुशरकून, ऐ कौम मैं तुमसे बरी हूं, ये देखो तुम्हारी बंदगी की ये सूरतें थी, तुम में से कुछ सितारा परस्त थे, तुम में से कुछ कमर परस्त थे, तुम में से कुछ शम्स परस्त थे, मैंने सब के मुतालिक तुमको बतला दिया है कि जो डूबने वाले होते हैं उनकी परस्तिश नहीं की जाती, जो डूबने वाले होते हैं उनकी बंदगी नहीं की जाती। वलम्मा अफलत, जब वो भी डूबा, तो इब्राहिम ने कहा क्या कौम मैं तुम्हारे शिर्क से बरी हूं, इन्नी वजह तो वजही अलिल्लजी फतरा समावात वल अर्ज, मेरी तवज्जुहात का मरकज फकत ज़ात वाजिब है जो जमीन व आसमान की पैदा करने वाली है। इन्नी वजह तो वजही अलिल्लजी फतरा समावात वल अर्ज हनीफा, मैं रात डायरेक्ट, मेरे तवज्जुहात का मरकज वही ज़ात वाजिब है, मेरा रुख हयात फकत खालिक कुल की तरफ है और मैं मुशरिक नहीं हूं। ये एक वाकये को कुरान मजीद में सूरह अनआम में पेश किया, एक मिसाली वाकया बनाकर कि वो अदब की दुनिया हो या इल्म की,
वो हिकमत की दुनिया हो या फलसफे की, वो मजहब की दुनिया हो या सियासत की, हमेशा कौम की बुलंद निगाहों को उन मकामात पर रहना चाहिए जहां बार बार डूबने वाली चीजें सामने ना आए, जहां बार बार डूबने वाली चीजें सामने ना आए, वो मजहब की दुनिया हो या आपकी रोजमर्रा और आपकी मामूली जिंदगी का आलम हो। हमेशा याद रखिए कि ये डूबने वाले किसी की मदद नहीं करते, वो डूबते हैं और दूसरों को ले डूबते हैं। तारे को देखा रात की तारीकी में, तारे की चमक को देखा, कहा कि ये है जिसकी परस्तिश हो रही है। चांद को देखा तो ये है जिसकी परस्तिश हो रही है। दस्तूर गबाबंदी यहां भी जारी है और बावजूद इन मुश्किलात के और इन मराहिल के हमको बहर सूरत किसी न किसी मंजिल पर पहुंचना ही है। मुझे शिकायत तो नहीं है मगर इस अम्र का जरूर एहसास है कि ऐसे वक्त में मैं ये तकरीर कर रहा हूं जबकि मेरे सामने एक और अहम तकरीर इसके फौरन बाद है। डरता ये हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी सेहत साथ न दे और मैं आने वाली तकरीर के काबिल न हो सकूं, इसलिए माइक्रोफोन की मदद का बार बार तालिब हूं। अगर आने वाली तकरीर का लिहाज न रखता तो बगैर माइक्रोफोन के भी बोलता हूं। अर्ज यह करना था कि जिंदगी का वाहिद मकसद ये रहे कि तवज्जुहात का तमाम तर मरकज जाते वाजिब हो। दुनिया की रंजीनियां, दुनिया की दिलफरेबियां, दुनिया की बूकलबूनी इंसान को हर आन अपनी तरफ जज्ब करने की कोशिश करती है। इख्तदार, नक्शे हुकूमत, दौलत की मस्ती, इंसान की शख्सी आजादियों का फरेब, ये सब उमूर वो है जो इंसान को थोड़ी देर के लिए नफ़े हाजिर के लिए बेचैन करते हैं कि आज के फायदे को देखो। अकलमंद आदमी आज की मजर्रत को कल के नफे के लिए बर्दाश्त कर लेता है, आज की मजर्रत को कल के नफे के लिए बर्दाश्त कर लेता है। इसलिए हम अपनी मजहबी जिंदगी में, इल्मी जिंदगी में, अखलाकी जिंदगी में हमेशा ये चाहते हैं कि हम किसी सूरत आज की मनफात के लिए, आज के फायदे के लिए कल की मजर्रत को गवारा न करें, आने वाले कल को देखें। और ये भी देखें कि जमीन और आसमान ने हजार हजार इंकलाबात पैदा कर दिए, जहां हुकूमतें मुनकलिब हो गई, जहां ताकतें मुतगयर हो गई। कल और आज में कितना फर्क होता है इसका तजर्बा आपको है, इसका मुशाहिदा आपको है। इसलिए बदलती हुई दुनिया से इबरत लेने वाले इतना को जान लें कि कौन कब डूबा, कौन कब डूब रहा है। बड़ी अजीब मंजिल है, बड़ा अजीब इशारा है वाकया इब्राहिम में। और फिर हर चमकती हुई चीज को मंजिल मकसूद बना लेना कुछ ज्यादा करीने अकुल भी नहीं मालूम होता। और हम जिसके पैरों हैं, हम जिसकी राह पर चल रहे हैं, वहां से मुसलसल हमको यह हिदायत मिल रही है कि हर आन बाखबर रहो, हर आन होशियार रहो और बार बार इसकी फिक्र करो कि तुम्हारे लिए जो मकसद हयात है उसके हुसूल की सूरत क्या है, उसको हासिल करने का तरीका क्या है। मैंने ये चंद जुमले तमहीद में अर्ज किए सिर्फ इस वास्ते कि जहन में रहे ये बात
कि आपके लिए जिंदगी का प्रोग्राम क्या है। जिनके नक्श कदम पर हम चलने का दावा करते हैं और जिनका नाम लेने को हम इज्जत जानते हैं, आज नवी मुहर्रम को जाहिर है कि वो नाम किसी से पोशीदा नहीं है, वो घराना किसी से पोशीदा नहीं है। ये घराना मोहम्मद का घराना है, इसको आले मोहम्मद कहते हैं, और जिसका नाम लेने के लिए आज जमा हुए हैं वो नाम नामी इसम ग्रामी हुसैन इब्ने अली का है। हुसैन इब्ने अली वही है कि जिसने अपनी अमली जिंदगी से बतला दिया अल्लाह उहिब्बुल आफिलीन, मैं डूबने वालों को दोस्त नहीं रखता। ये सल्तनतें आनी वो पानी है, इलाही इक्तदार हमेशा के लिए बाकी है। इसलिए वज्जह तो वज्जिया लिल्लज़ी फतरस समावात वल-अर्ज़, हुकूमत ने बैअत चाही, उसके माना ये है कि हुकूमत हर दौर में बंदगान खुदा से यही सवाल करती रहती है। हर हुकूमत हर दौर में खुदा शनास बंदों से बैअत मांगती रहती है। हुसैन ने एक मरतबा इनकार करके यह बतला दिया कि कयामत तक जिन हुकूमतों को आदत है बैअत मांगने की, उससे हुसैनी बन के बचते रहो। एक मरतबा का सवाल नहीं है बैअत का, हर दौर में हर हुकूमत ने बैअत मांगी है, हर दौर में हर हुकूमत ने बैअत मांगी है। खुदा शनास वही है जो मुतवज्जह करे वज्जह तो वजी लिल्लज़ी फतर समावात वल-अर्ज़। मेरी तवज्जो आपका मरकज फकत जाते वाजिब है। बात यह है कि हम एक ऐसा दस्तूर हयात चाहते हैं कि जिस दस्तूर हयात में मिल्लत इस्लामिया इस हकीकत को जान ले कि मुसलमान सिर्फ अपनी जान और माल को फकत अपने खुदा को देखता है, गैर खुदा को नहीं देखता। अपने जान और माल को अपने खुदा को देखता है। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीन अन्फुसहुम, अल्लाह ने साहिबान ईमान से उनकी जानों को खरीद लिया है। अच्छा तिजारत करने वाला बिकी हुई चीज को बार बार नहीं बेचता। जब दाते वाजिब ने खरीद लिया है तो किसी और को हक नहीं पहुंचता के खरीदे। इसलिए मिल्लत मुस्लिमा बिकी हुई है, उसकी जानें बिकी हुई हैं। मिल्लत मुस्लिमा ने अपने माबूद से मुआहदा किया है कि तेरे नामे नामी को बाकी रखने के लिए हम हर मंजिल पर हुसैन के नक्शे कदम पर चलेंगे। और यही वो मंजिल है कि जहां जहां ला इलाहा इल्लल्लाह है, जहां जहां मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है, जहां जहां ये कलिमा तैयबा है, एक कुव्वत है, एक ताकत है, आवाज बुलंद है, ला उहिब्बुल आफिलीन कि हम डूबने वालों को पसंद नहीं करते। दुनिया की सियासत हैरान है, आलम के फरेब देने वाले सियासत मदार सब के सब इस्लाम की इन ताकतों से हैरान है कि इस्लाम को अल्लाह ने क्या कुव्वत दे दी है कि बड़ी से बड़ी ताकत के सामने ये अपने सर को नहीं झुकाते हैं। हजार हजार किस्म के फरेब दिए जा रहे हैं, हजार हजार किस्म की रंगीनियों के साथ धोखे दिए जा रहे हैं। कोशिश ये की जाती है कि किसी वक्त भी आलम इस्लाम मुत्तहिद ना होने पाए, किसी वक्त भी इस्लामी मम्लिकतें एक जगह ना होने पाए। अगर ऐसा हो जाएगा तो बड़े बड़ों के इख्तदार को ठेस लगेगी और बड़े बड़ों की सियासत को नुकसान पहुंचेगा। इसलिए उस इत्तेहाद को परेशान करने की कोशिश की जा रही है, मगर मिल्लत मुत्तहिद है इस मकसद अहम में कि हमने एक मरतबा अपनी जान को अपने अल्लाह के हवाले पेश किया है। हम दुनिया की सियासत के हवाले नहीं करेंगे और आपस में मुत्तहिद हो जाएंगे। इसलिए इत्तेहाद मिल्लत इस्लामी सबसे ज्यादा अहम वक्त का मसला है। यही मजहब है, यही सियासत है, यही अक्ल है, यही इल्म है, यही अदब। मुत्तहिद होना चाहिए, आलम इस्लाम को मुत्तहिद होना चाहिए। जहां जहां भी इस्लाम हो, जहां जहां भी इस्लाम हो, मुत्तहिद हो जाए। किस बात पर मुत्तहिद होंगे?
किस बात पर मुत्तहिद होंगे। जाहिर है कि मिल्लत जब मुत्तहिद होगी तो अपने अपने तर्ज हुकूमत के साथ अपनी अपनी सल्तनतें बसर कर रही हैं, तो उन तर्ज हुकूमतों को मिलाना मकसूद नहीं है, बल्कि उस कलेमे के साथ आगे बढ़ना है कि सबका कलेमा एक है, सबकी वफादारी एक है, सबका ईमान एक है। सबों ने अपने मकसद का ऐलान कर दिया है कि हम फकत अल्लाह का नाम लेकर आगे बढ़ने वाले हैं। तो जो अल्लाह का नाम लेता है वो फरंग ज़दा नहीं होता, जो अल्लाह का कलेमा पढ़ता है वो यूरोप ज़दा नहीं होता, जो अल्लाह का नाम लेकर आगे बढ़ता है वो किसी सियासत के फरेब में नहीं आता। ये गुफ्तगू सियासी नहीं है, मुझे सिर्फ इतना बतलाना है कि मजहब के ताल्लुक से आज दुनिया हमसे हैरान है, फकत किसी इत्तेहाद की वजह से हैरान है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने वाले अब 50 करोड़ हो गए हैं दुनिया में। 50 करोड़ ये मामूली बैलेंस नहीं है, ये मामूली बैलेंस नहीं है। अगर ये 50 करोड़ फकत हुसैन के नक्शे कदम पर चलने लगे तो किसी की मजाल है, किसी की मजाल है कि मुसलमान को धोखा इंफरादी तौर पर या इज्तमाही तौर पर किसी की मजाल है कि मुसलमान को फरेब दे दे। अगर मालूम हो जाए कि हुसैन के नक्श कदम पर चलने वाले हैं, मगर सियासत की दुनिया पहले ही से मुसलमान को जिहाद से डराती रही, तो सब नाम लो जिहाद का नाम न लो। और अब मुख्तलिफ तरीकों से यह कोशिश की जाती है हुसैन के तस्करे से फायदा क्या है। आपको मालूम है हुसैन के तस्करे को अक्ल ने माना है इस दौर में कि मुहर्रम को छोड़ो रोजाना किसी न किसी वक्त को मुअय्यन करके अपने बच्चों को बिठा के हुसैन का तस्करा करो ताकि बच्चों में हुसैनियत पैदा हो। मैंने जहमत दी, मैं आपको बतलाता हूं कि क्या मौकफ है हमारे नजदीक। जाहिर है कि हम आप सब जमा हैं सिफारत खाने कुबरा में एक इस्लामी ममलकत के, और बहसियत इस्लाम के और इस्लाम के नशोनुमा के हम इस हुकूमत का बका भी चाहते हैं। हम यह भी चाहते हैं कि इस्लाम की मुहाफिजत में इसका ताजदार जो मुसलसल कोशिशें कर रहा है अपनी उन कोशिशों को जारी रखे। और चूंकि आए वक्त में इस मुस्लिम ताजदार ने हमारा साथ दिया है इसलिए हमारी वफादारियां साथ है। आने वक्त में इस मुस्लिम ताजदार ने चूंकि हमारा साथ दिया है इसलिए हमारी वफादारियां साथ हैं। हम एहसान फरामोश नहीं है, हम एहसान फरामोश नहीं है। अगर हम गैर मुस्लिम हुकूमतों का शुक्रिया अदा करते हैं इसलिए कि उन्होंने हमारा साथ दिया, ये तो हमारे भाई हैं। तो मैं सिर्फ इतना कर रहा था कि चूंकि सिफारत कुबरा के इस ऐवान में आप हजरात को जहमत दी गई है और थोड़ी सी देर ये जहमत जारी रहेगी, इसलिए मैं कम अज कम इस मसले को कमाहक कहूँ आपकी खिदमत में पहुंचा दूं कि कितनी जरूरत है जिक्र हुसैन की। मैं बहुत अफसोस है कि अपने ईरानी भाइयों के लिए उनकी अपनी जबान में उनको खिताब न कर सका, फकत इसलिए कि अक्सरियत यहाँ उर्दू समझने और उर्दू बोलने वालों की। मगर मैं एक राह निकालना चाहता था कि कुछ उनको भी समझाऊं और कुछ मैं भी समझूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि वो एक मुसलसल फिक्र को इकबाल की देखें। एक अजीब फिक्र इकबाल ने पेश की है और वो ये कहते हैं कि बंदे हक जायदम आहूत मर, अल्लाह का बंदा हक का बंदा शेर है, मौत हरन है। बंदे हक जायदम आहूत मर एक मकाम मर हद मकाम में उस मर्ग उसकी हजारों मंजिलें हैं, उन मंजिलों में से मौत भी एक मंजिल है। बंदे हक जयगम आहूस मर्ग एक मकाम मर्ग सद मकाम में उस मर्ग मीत पर मर्ग उन मर्द तमाम
हम तो शाहीनी के औसत बरफमाम जिस तरह से बाज कबूतर पर गिरता है इस तरह से बंदा हक मौत पर हमला करता है। निपटत पर मर्द उन मर्द तमाम हम तो शाहीनी के औसत बरफमाम हर जमान मीरत गुलाम अज दीन मर्द जिंदगी उरा हराम अज दीन मर्द और गुलाम हरान मरते ही रहता है मौत के डर से हरान मरते ही रहता है उसकी गुलामी ही ये है कि जहां मौत का जिक्र आया वो मर गया। मर्द मर्द आजादों जे आनी बीशनी लेकिन आजाद मर्दों की मौत एक दकीके से ज्यादा नहीं होती क्यों वो खुद अंदेशा मर्ग अंदेशनी वो अपने आप से घबरा रहा है मौत से नहीं घबराता वो खुद अंदेशा मर्ग अंदेशनी मर्ग आजादों जे आनी बीशनी वो खुद अंदेशा तो मर्ग अंदेशनी हर जमान का हद हर मंजिल पर बंदे हक का हद यज़दा ने पाक अल्लाह का बंदा अल्लाह से जो मांग रहा है बंदे हक का हद यज़दा ने पाक उन दिगर मर्गी के परगर्दत खाक एक ऐसी मौत को मांगता है जो मिट्टी में जाके फना न हो बल्कि मिट्टी से फिर उभरे फिर आलम के सामने आए फिर दुनिया को रूशनास कर दे एक ऐसी मौत चाहता है बंदे हक और इस मकाम पर इकबाल कहते हैं जंग शाहाने जाओ गारत गरीब जंग मोमिन सुन्नत पैगंबर जंग शाहाने जाओ गारत गरीब बादशाहों की लड़ाई गारत गरी है जंग मोमिन सुन्नत पैगंबरी और मोमिन की जंग पैगंबरों की सुन्नत है जंग मोमिन की हिजरत हुए दो मोमिन की जंग क्या है दोस्त की तरफ जाना तरके आलम इख्तियार हुए दो दुनिया को छोड़ना दोस्त की गली को बसाना ये मोमिन की जंग है बस ये आखिरी मंजिल के गोचे हर मरकज घर से हर मर्ग पर मोमिन सका मर्ग पूरे मुर्तजा पीछे दिखा अगर से मौत मोमिन के लिए शकर है मगर मुर्तजा के बेटे की मौत कुछ और ये शायर मशरक का पैगाम है वो कहते हैं कि शाहाने जहां की जंग गारत गरी है मोमिन की जंग सुन्नत पैगंबरी है याद रखो कि मोमिन की लड़ाई हिजरत है दोस्त की तरफ वो सारी दुनिया को छोड़ता हुआ जाता है तारों को छोड़ता है चांद को छोड़ता है सूरज को छोड़ता है हर डूबने वाली चीज को छोड़ता है वो ये कहता हुआ जाता है वह जस्तो वी अली नबी फतर समावास वलर वो बेटों को छोड़ता है भाइयों को छोड़ता है भतीजों को छोड़ता है बराबर के भाई को छोड़ता है वह जस्तो वी अली नबी फतर समावास वलर मर्गे मोमिन की हिजरत सूर्य दोस्त मोमिन की मौत क्या है दोस्त की तरफ हिजरत करना तरके आलम इख्तियार सूर्य दोस्त दुनिया को तर्क करना दोस्त की गली को आबाद करना दोस्त की गली में बस जाने का आलम यह है कि कयामत तक उसकी गली में जाने वाले उसकी गली में मरने वालों को पहचानते रहेंगे कि उसकी गली का पता चलता है उन्हीं लोगों से जो उसकी गली में दफन हो चुके हैं इसलिए अल्लाह को पहचाना नहीं जाता मगर हुसैन से। ये चंद बातें मैंने अर्ज की और इस मंजिल पर इकबाल की एक नसीहत भी पेश कर दी फकत इसलिए कि कम अज कम दुनिया जान ले कि एक शायर फलसफी हकीम जिसका पैगाम हम अपनी सिफारतों के जरिए सारी दुनिया में मुंतकिल कर रहे हैं वो ये कह रहा है कि हैदर के लाल की मौत हैदर के बेटे की मौत कुछ और है और वो ये है कि खुदा
خداوند علی اعلی خریدار ہے نفس مرد مومن کا, یہ بتلانا چاہتے ہیں حسین ابن علی. بہرحال گفتگو کو آگے بڑھنا نہیں چاہیے, میں صرف اتنا کہہ رہا تھا کہ اگر ملت اسلامیہ میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ ہم ذات واجد کے سوا کسی اور کے ہاتھوں بکنے کے لیے تیار نہیں ہیں, کسی قیمت پر نہیں بکیں گے, تو یقیناً کامرانی اور کامیابی اسی ملت کے لیے ہے اور کسی اور کے لیے نہیں ہے. پہلے پہلے تو یہ کوشش کی گئی کہ ذکر جہاد نہ ہو, اور اب آہستہ سے اور طریقوں سے یہ کوشش ہو رہی ہے کہ یہ بار بار اس ذکر کو بھی نہ دہرایا جائے. جہاں قربانیوں کی گفتگو ہوتی ہے, جہاں گھر لوٹانے کی گفتگو ہوتی ہے, جہاں اس طرح سے سر دینے کی گفتگو ہوتی ہے, اس کا بھی تذکرہ نہ کیا جائے. تو مطلب یہ ہے کہ صوفیوں شاعروں اور صورت گر اگر قوم کو بنانا ہے تو وہ اور بات ہے, اور اگر نہیں قوم کو واقعی ایک وفادار مسلم بنا کر زندہ رکھنا ہے تو ایسے ہی تذکرے ہر آن ہر گھڑی لازم ہوں گے. میں نے یہ چند جملے سرسری طور پر بیان کر دیے, صرف خاتمے پر اتنا عرض کر دوں کہ دنیا جب تک اسلام باقی ہے, جب تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ باقی ہے, دنیا اگر کوشش بھی کرے تو حسین کو تو دنیا بھول نہیں سکتی ہے, حسین کو تو دنیا نظر انداز نہیں کر سکتی ہے. اب رسمن پکارے, بھول بھول کر کبھی یاد کرے, کبھی کسی کے کہنے پہ یاد کرے, کبھی ایک آیت یاد آ جائیں تو یہ بھی بہتر ہے, یہ بھی بہتر ہے کہ بہرحال کبھی نہ کبھی یاد آ گئے حسین, اور کبھی نہ کبھی اس طرح سے ہم لوگ جمع ہو گئے اور ہم نے اپنے آپ کو اس عزاداری میں شامل کر لیا. حسین کو یاد کرنا شرافت ہے, انسانیت ہے, حسین کو یاد رکھنا اسلام ہے, ایمان ہے, حسین کو یاد رکھنا موحد ہونے کی دلیل ہے. اس واسطے کہ حسین نے بتلایا ہے, حسین نے بتلایا ہے کہ حکومت بذات خود اچھی اور بری نہیں ہوتی, حکومت بذات خود کوئی حکم نہیں رکھتی. جہاں اجتماعی طور پر کچھ لوگ جمع ہو جائے اور کہیں ہم حکومت کرنا چاہتے ہیں تو قرآن نے کہا کہ ہاں تمہارا اختیار ہے, اپنا ایڈمنسٹریشن ہے, تم لے کے جاؤ, مگر یہ دیکھو کہ کس مقام پر تم ہمارے قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہو. اگر ان قوانین کی خلاف ورزی ہوگی تو یقیناً تم کو نقصان پہنچے گا, ورنہ کوئی خاص دستور حکمرانی قرآن نے نہیں دیا ہے کہ ان کو حکمرانی ملے ان کو حکمرانی نہ ملے, وہ تاجدار بنے وہ تاجدار نہ بنے, ایسا نہیں ہے. قرآن نے کہا جو بنے اللہ کی طرف آئے. یہ پورا واقعات آپ قرآن مجید کے انبیاء کے سن لیجئے کہ جو حکومت پر آئے وہ اللہ کی طرف آئے, وہ اللہ کو نہ بھولے, وہ اللہ کو فراموش نہ, اور جہاں وہ اللہ کو چھوڑ دیتا ہے تو پھر اسے مواخذہ کیا جاتا ہے, اسے مواخذہ کیا جاتا ہے. میری باتوں کو آپ سمجھیں, اقبال عالم اسلام کو یہی پیغام دے رہے ہیں. اقبال کہہ رہے ہیں چن خلافت رشتہ قرآن گسیخ, جب خلافت نے اپنا رشتہ قرآن سے توڑ لیا, حریت رہو زہر اندر کامریت, اور آزادی کا گلا گھونٹا گیا. خاص ان سر جلوے خیر الامم, سن صحابِ قبلہ بارہ اندر قدم, بر زمینِ کربلا باری دورا. اب اس اہم ترین منزل کو سمجھنے کی کوئی چیز ہے, جب خلافت نے اپنا رشتہ قرآن سے توڑ لیا, اور جب اسلام کا لبادہ اوڑھ کر حلال محمد کو حرام اور حرام محمد کو حلال قرار دیا گیا, حسین اپنی تکلیف شرعی یہ محسوس کرتے تھے کہ خاص ان سر جلوے خیر الامم, سن صحاب قلعہ باروندر قدم, بر زمین کربلا باری دو رب, لالہ در ویران ہا کاری دو رب. کیا کہنا چاہتے تھے حسین؟ کل شام میری میں نے عرض کیا, پھر کہتا ہوں یہی کہنا چاہتے تھے کہ تیرے لاؤ چنگمیاں بیرو کشید, از رجے ارباب باطل خون کشید, نقش الا اللہ بر سہرا نبی. یہ ہے
मकाम हुसैन, ये है मकाम हुसैन। इसलिए ख्वाहिश ये है हुसैनी ताकतों की, हुकूमतें कुरान से रिश्ता जोड़े रहे, हुकूमतें अल्लाह की बंदगी को न भूले, हुकूमतें इस्लाम के अहकाम का ख्याल करें। यह हकीकत है कि हम बहैसियत एक पाकिस्तानी के, हम बहैसियत एक मुसलमान होने के अपने फराइज को जानते हैं, और हम ये जानते हैं कि हम हमेशा ये अहद करते हुए यहाँ इस जमीन पर आए हैं कि तेरी इबादत के लिए हमें जमीन चाहते थे, मिल गई। तेरे नबी के हलाल को और तेरे नबी के हराम को बाकी रखने के लिए हमने एक जमीन को मांगा था, मिल गई। और अगर उस जमीन पर किसी ने निगाह बद से देखा तो हमारी सारी ईमानी ताकतों के साथ हरबी सलाहियतों का जिक्र मैं नहीं करता, हमारी सारी ईमानी ताकतों के साथ हम मुदाफियत करेंगे। और ऐसा ही एक वक्त 17 बरस के बाद आया, और ऐसे बंदगी को न भूले, हुकूमतें इस्लाम के अहकाम का ख्याल करें। यह हकीकत है कि हम बहैसियत एक पाकिस्तानी के, हम बहैसियत एक मुसलमान होने के अपने फराइज को जानते हैं, और हम ये जानते हैं कि हम हमेशा ये अहद करते हुए यहाँ इस जमीन पर आए हैं कि तेरी इबादत के लिए हमें जमीन चाहते थे, मिल गई। तेरे नबी के हलाल को और तेरे नबी के हराम को बाकी रखने के लिए हमने एक जमीन को मांगा था, मिल गई। और अगर उस जमीन पर किसी ने निगाह बद से देखा तो हमारी सारी ईमानी ताकतों के साथ हरबी सलाहियतों का जिक्र मैं नहीं करता, हमारी सारी ईमानी ताकतों के साथ हम मुदाफियत करेंगे। और ऐसा ही एक वक्त 17 बरस के बाद आया, और ऐसे मौके पर एक और इस्लामी ममलिकत ने और दूसरी इस्लामी ममलिकतों ने हमारा साथ दिया। न हम ईरान को भूल सकते हैं, न हम इराक को भूल सकते हैं, दोनों ने साथ दिया। ये समझकर कि हमारे पास बहुत जर है, बहुत जोर है, बड़े असलहे जंगे नहीं, ये समझकर साथ दिया कि इस्लाम इस्लाम का और मुसलमान मुसलमान का साथ दे। जब ये मंजिल आ गई और अब हम सब मिल गए, तो अब सब मिलकर क्यों ये अहद न करें, सब मिलकर क्यों हम ये अहद न करें कि जहां जहां जो ताकतें दीन हक के खिलाफ कोशा हो, उन सब से अपने आप को बचाने के लिए हम एक मरतबा मुत्तहिद हो जाएं। तो इत्तेहाद इस अमर पर नहीं है, इत्तेहाद इस अमर पर नहीं है कि इनको हटाओ या इनको रखो, इत्तेहाद इस अमर पर है कि अल्लाह की बंदगी में आगे बढ़ो, इत्तेहाद इस मंजिल पर है कि कुर्बानी से दरेग न करो, मुस्तकिल्ला से अकलिया को मानो, हक को हक जानो, बातिल को बातिल समझो, ना हक को पसंद न करो, बुराई का साथ न दो, आए पी न बनो, आए कोश न हो जाओ। ये चंद बातें ऐसी हैं कि जिसका डर करबला वालों ने दिया, और आखिर वक्त तक हुसैन ये कहते रहे, इन्नी ला अरल मौत इल्ला सआदा, मेरे वास्ते मर जाना आज सआदत है, वल हयात मज़ालिमी इल्ला ज़ुल्मन व नदमा, ज़ुल्म करने वालों के साथ जिंदा रहना ज़िल्लत भी है और नदामत भी। ये डर करबला वाले ने दिया कि जालिमों के साथ जिंदगी जिल्लत भी है और नदामत भी है। अब वो जालिम इंफरादी होते इज्तिमाई, अब वो जालिम एक होकर पूरी कौम, अगर पूरी कौम जालिम है तो हम उस कौम का साथ नहीं देंगे, और अगर एक जालिम है तो हम उसका साथ नहीं देंगे। यह दर्द करबला ने दिया, यह दर्द करबला ने दिया है। 21वीं रमजान की रात को अली दुनिया से जा रहे थे, अपने दोनों बेटों को सामने बुलाया और कहा, बेटो एक वसीयत है अली की, और वो ये, कूना लिज़ालिमे खस्मा वलिल मज़लूमे औना, तुम दोनों जालिम के दुश्मन बन जाओ, मज़लूम के मददगार रहो। अली की वसीयत है कि तुम दोनों जालिम के दुश्मन हो जाओ, मज़लूम के मददगार रहो। तो अज़ीज़ाने गिरामी, ये वो मंजिल है कि जहां हम या हर अकलमंद आदमी जुल्म को पसंद नहीं करता, और जब जुल्म को पसंद नहीं करता तो जुल्म से दूर रहता है,
जब जुल्म से दूर रहता है तो कैसे रहे जुल्म से दूर जब तक के जुल्म को पहचाना न जाए। आप कैसे रहेंगे जुल्म से दूर, आप पहचानते ही नहीं कि जुल्म कहां हो रहा है। इसलिए मारिफत जुल्म भी तो जरूरी है और मारिफत जुल्म के साथ फिर जालिम को भी पहचानना है, जालिम को भी पहचानना है ताकि इंसान दूर हो। देखो यह जालिम है, दूर हो जाओ। इसलिए अगर जालिम की मारिफत के लिए जोर दिया जाए तो आप ये न कहें कि ये तो अशखास तक बातें पहुंच गई, ये तो अफराद तक बातें पहुंच गई। नहीं, जालिम को जानना जरूरी है, जालिम को जानना जरूरी है ताकि आप जालिम से दूर हो। मखजूब को जानना जरूरी है, जालिम को जानना जरूरी है ताकि आप अपनी नमाज से दुरुस्त करें। आप ये कब तक कहते जाएंगे सरसरी तौर पर गैरिल मखजूब अलैहिम वलज़ालिम, गैरिल मखजूब अलैहिम वलज़ालिम। ना आप मखजूब को पहचानते हैं ना जालिम को पहचानते हैं। तो जैसे मखजूब और जालिम को पहचानना जरूरी है इसी तरह से उनको पहचानना जरूरी है अल्लज़ीना अनअमत अलैहिम, जिन पर तूने अपनी नेमतों को नाजिल किया है। इस वास्ते अफराद को जानना जरूरी है। अब पूरी तारीख आप कहां लेके बैठेंगे अफराद के लिए। इस वास्ते हमने पूरी तारीख का एक डाइजेस्ट तैयार किया, हमने तारीख इस्लाम का, तारीख इंसानियत का एक डाइजेस्ट तैयार किया, पूरी कुफ्र को समेट के यजीद में रख दिया। और पूरे ईमान को एक जगह मरकजियत देकर जाते हुसैनी ने उसको देखा। ये है तारीख इंसानियत का डाइजेस्ट। और आप इसको मेरी जाकिरी का मुबालगा न समझे। अगर आप पर लाजिम है के मखजूब को पहचाने, अगर आप पर लाजिम है के जालिम को पहचाने, अगर आप पर लाजिम है के जालिम को पहचाने, अगर आप पर लाजिम है कि अनअमत अलैहिम को पहचाने, तो इकबाल को भी पहचाने। मूसियो फिरआउनो तब्दीलो यजीद, इन दो कुव्वत अधया होता है तिरीज। ये दो ताकतें हर दौर में जिंदगी में आती रहेंगी, एक तरफ मूसा, एक तरफ फिरआउन, एक तरफ तब्दील, एक तरफ यजीद। जहां यजीद आएगा वो फिरआउन का नुमाइंदा है, वो नमरूद का नुमाइंदा है, वो हामान का नुमाइंदा है, वो कारून का नुमाइंदा है, वो काफिर आजम का नुमाइंदा है जो गैर मुस्लिम थे। और जहां शब्बीर का नाम आएगा वो आदम के नुमाइंदा है, वो नूह के नुमाइंदा है, वो मूसा के नुमाइंदा है, वो इब्राहिम के नुमाइंदा। ये है तारीख इंसानियत का डाइजेस्ट। और करबला वो मरकजी मंजिल है, वो मरकजी मंजिल है जहां हमने इंसानियत का इस तरह से डिवीजन देखा। मेरे लफ्जों पर गौर कीजिए, एक डिवीजन देखा। और डिवीजन कॉल किया हुसैन ने कि अब बढ़ जाओ, अब बढ़ जाओ, जाओ उधर जाओ, जिसको आना है इधर आए। हजारों उधर से, 72 इधर से, आकर में दौड़ के उधर से एक इधर आ गया। डिवीजन मुकम्मल हो गया और उसके बाद जंग छिड़ गई। हुसैन जानते थे कि 72 को तो मरना ही है, अकलमंद आदमी इस तरह की लड़ाई ना करे, लाखों के मुकाबले में 72 को जाके खड़ा कर दे। और ये कहते लड़ेंगे मरेंगे, और फकत ये नहीं कि तीनों साल की कैद नहीं, 6 महीने का बच्चा भी हो, 5 और 7 बरस के बच्चे भी हो, 8 और 9 बरस के भी बच्चे हो, 13 बरस का भी बच्चा हो, 80 बरस का भी बूढ़ा हो, मरेंगे आज। क्यों? इसलिए कि तारीख में जाना है इस डिवीजन को। मैं नहीं समझा सका, और जहां तक नहीं समझा सका वहां से आप समझने की कोशिश करें। मेरी सेहत अब इजाजत नहीं देगी। मैंने अहम तरीन मंजिल को आज की तारीखी तकरीर में तय किया है, बशर्ते कि आप याद रखें, बशर्ते कि आप याद रख सकते हैं मेरे जुमले को कि तारीख इंसानियत का डाइजेस्ट है करबला। एक तरफ शाहाने, एक किबरो,
استبداد و فسق و فجور کی نمائندگی ہے. ایک طرف انبیاء کا خلاصہ ہے وارث آدم ہے, وارث نوح ہے, وارث ابراہیم ہے, وارث عیسیٰ ہے, وارث محمد ہے. ادھر سے آواز آ رہی ہے بیعت کرو. حسین اکیلے ہوتے تو معلوم نہیں چارو قال ہو جاتا, مگر حسین کے پاس انبیاء کی وراثت ہے. حسین کیسے بیعت کر لیتے, سارے محکمات قرآن کو حسین کیسے معطل چھوڑ دیتے, انکار کر دیا اور کہا مرنا ہے آج ہی مریں گے, آج ہی مریں گے, 72 کو لے کے مریں گے. مگر ایک بات یاد رکھ لے, استبداد کا مرکز, ایک بات یاد رکھ لے, جبر و اقتدار کا مرکز, اور وہ یہ ہے کہ مرج پورے مرتضی چیزیں دیگر. یہ موت کچھ اور ہوگی, یہ موت کچھ اور ہوگی. ہر دور میں, ہر عہد میں, ہر زمانے میں, ہر زمانے میں یہ کربلا, یہ کربلا جو کبھی تاریخ انسانیت کا ڈائجسٹ بنی تھی, ہر دور میں, ہر زمانے میں یہ کربلا میزان بنتی جائے گی. کوئی کہتا جائے گا روکو اس ذکر کو, کوئی کہتا جائے گا بڑھاؤ اس ذکر. ہر دور میں وہ پیکار آج بھی ہے اور وہ پیکار قیامت تک رہے گی. الحمدللہ ہم ایک اسلامی مملکت کے سائے میں جی رہے ہیں, اور ایک دوسری اسلامی ہمسایہ مملکت, اور ایک تیسری اسلامی ہمسایہ مملکت سے قربت ہم کو حاصل ہے. اور اس طرح سے اسلامی ممالک کا اتحاد ہم کو اس بات کا یقین دلاتا ہے کہ ہم میں حسینی جذبات یقیناً پیدا ہوں گے, اور اگر کبھی وقت آئے گا تو ہم یہ ثابت کر دیں گے, ہم یہ ثابت کر دیں گے کہ فقط ہم حسین کا ذکر کرنے والے ہی نہیں, بلکہ زمانے کو اگر قربانی کی ضرورت ہو تو پہلے ہم سے پوچھا جائے, پہلے ہم سے پوچھا جائے. کوئی ایسی ناقابل ذکر اقلیت بھی نہیں ہے ہماری. جب 72 اس منزل پر آ سکتے ہیں تو یہ 72 کے غلام ہی تو ٹھہرے. بچے بھی حاضر ہیں, جوان بھی حاضر ہیں, بوڑھے بھی حاضر ہیں. عادت ہو گئی ہے ہم کو یہ کہنے کی, یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما, کاش ہمارے ہم آپ کے ساتھ ہوتے, ہم فائز ہوتے, ہم کامیاب ہوتے. وہ عادت بڑھتے بڑھتے اس منزل پر ہے کہ نصف شب کے وقت اگر کوئی چونکا کے ہم سے کہہ دے قربانی چاہیے, حاضر ہے, بشرطے کہ امر حق ہو. باطل کی طرف کوئی ہم کو لے جا نہیں سکے گا, باطل کی طرف کوئی ہم کو لے جا نہیں سکے گا. یہ فقط آواز نہیں ہے, یہ حقیقت ہے, یہ صداقت ہے, یہ دیانت ہے, یہی دین ہے. میری تقریر ختم ہوئی, اس کے آگے مجھے کچھ نہیں کہنا ہے. آخری جملے نویں تاریخ ہے آج, محمد تاسوعا تو حضر علیہ السلام, محرم کی نویں تاریخ وہ ہے جو حسین ہر طرف سے گر گئے, حسین ہر طرف سے گر گئے. نمی تاریخ وہ ہے کہ حسین ابن علی تنہا ہو گئے. میں میرے بہت سے احباب یہاں موجود ہیں, میں ان کی خدمت میں کیا کروں تعارف کربلا کا, وہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, ان کا مطالعہ مجھ سے کہیں زیادہ ہے. صرف اتنا عرض کر دوں کہ حسین ابن علی ایک مختصر سے لشکر کو لے گئے. دیکھیے حسین کی بصیرت, حسین کی بصیرت دیکھیے. اگر حسین زندہ رہتے اور کربلا کو چھوڑ جاتے, کربلا کو چھوڑ جاتے, بیعت بھی نہیں کرتے اور یہ کہتے کہ اچھا میں یہاں سے چلے جاتا ہوں, کربلا کو چھوڑ جاتے. 57 برس کے سن میں حسین قتل ہوئے, حسین 60 برس کے ہوتے, 70 برس کے ہوتے, 90 برس کے ہوتے, 100 برس کے ہوتے, مگر مرتے. اور مرنے کے بعد حسین کا کیا مقام ہوتا, تاریخ بس یہ جملہ لکھتی, محمد کا ایک نواسا تھا, 100 برس کی عمر پائی, بڑا عابد تھا, بڑا عبادت گزار تھا, بہت زاہد تھا, بڑا متقی تھا, مر گیا, مر گیا. فقط کربلا کے قیام نے حسین کو وہ منزل عطا کی کہ اب ذکر کم ہوتا ہی نہیں. وہاں موت کا ذکر آتا تاریخ میں, یہاں زبانوں پر فقط زندگی ہی زندگی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, حسین جی رہے, حسین جی رہے,
कुछ सगाने रहा है खुदा को मुर्दा न समझो, वो जिंदा है, वो जिंदा है। अली अकबर जिंदा है, अब्बास जिंदा है, औन मोहम्मद जिंदा है, कासिम इब्ने हसन जिंदा है। अली अकबर 6 महीने के आज भी जिंदा है, 6 महीने के हैं। अली अकबर 18 बरस के आज भी है, ये जिंदगी है। और जी तरह से हुसैन भी जिंदा है। हमारे पास एक मुख्तसर सा तरीका है, इसलिए कि सारे 72 शहीदों का मातम चूंकि एक दिन में नहीं हो सकता, इसलिए 5वीं को अली अकबर की गुफ्तगू होती है, 6वीं को अली अकबर की गुफ्तगू होती है, 7वीं को कासिम का मातम होता है, 8वीं को अब्बास का तस्करा होता है, 9वीं को हुसैन इब्न अली की गुफ्तगू होती है। अब जब इस मकाम पर पहुंच गए तो हुसैन कौन है? तारीख इस्लाम ने हुसैन के लिए क्या कहा? मोहम्मद ने कहा था हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, मरते वक्त अपने सीने से लिपटा के कहा था रसूल ने सामनी दरासे का ओहदिया इला यजीद, मैं देख रहा हूँ बेटा तेरे सर को यजीद के पास तो पतन लेके जा रहे हैं, सबरन या अबादिल्ला, हुसैन सब्र कर रहा है। इतना तैयार किया भंजाना ने नवासे को। जब वक्त आया हुसैन कुर्बानी की मंजिल पर आए, ये आखिरी जुमले है, खेमे के करीब आए, पर्दे को कमीज ने उल्टा, आवाज दी या ज़ैनबो या उम्म कुलथूम या सुकैनब या रुकैया अलैकुन मिन्नी अस्सलाम, बहनों बच्चों सब को तुम सब को मेरा आखिरी सलाम हो, अब मैं जा रहा हूँ, अब्बास न रहे, कासिम न रहे, अली अकबर न रहे, औनो मोहम्मद न रहे, पूरा घर उजड़ गया, अब हमको जाने दो। बहने रोने लगी और आप आहिस्ता आहिस्ता आबिद बीमार के खेमे में आए, देखा कि ज़ैनुल आबिदीन अली इब्नुल हुसैन बेहोश पड़े हुए हैं। मैं बड़े इफ्तिखार से ये नाम ले रहा हूँ, सफीर इराक यहाँ मौजूद है, ये उन्हीं की औलाद में से है, वो मेरे इस बयान पर गवाही देंगे कि आले मोहम्मद का कितना एहसान है इस्लाम पर, अइम्मा का कितना एहसान है इस्लाम पर, रसूल की औलाद का कितना एहसान है इस्लाम पर। न होती करबला आज कहाँ होता इस्लाम, न होते हुसैन तो आज हमारा क्या मकाम होता, वो गवाही दे सकते हैं, इसलिए कि वो भी सैयद हैं और खानदान हुस्न और इज्जत से उनका ताल्लुक है। आबिद बीमार के करीब आए, बाजू को थाम कर सूरह हम की तिलावत की, बीमार बेटे ने आंखें खोली, देखा कि बाप जख्मी है, कहने लगे बाबा क्या चचा अब्बास मारे गए? चचा अब्बास मारे गए? कहां बेटा कत्ल हो? कहा बाबा क्या अली अकबर कत्ल हो गए? कहां? क्या सब अइम्मा हमारे मारे गए? फरमाया हाँ। इतना सुनना था कि बीमार ने खड़े होने की कोशिश, हुसैन इब्ने अली ने कहा तुमको मेरे हक की कसम, लेट जाओ, जमाना हुज्जत इलाही से खाली नहीं हो सकता, अब जल्दी मार लेट जाओ। बेटा मगर एक बात है, बेटा एक बात है, हमारा काम था, हमारा काम था काफिले को मदीने से करबला तक लाना, अब जब बीमार अब तुम्हारा काम है, इस काफिले को तुम कूफा ले जाओ, कूफे से शाम ले जाओ, शाम से फिर मदीना ले जाओ, और हमारे दोस्तों को हमारा सलाम कह देना, और कहना जब ठंडा पानी पीने को मिले तो हमको न। वो हजरात जो अरबी से वाकिफ है उनको ये शेर याद है इमाम का, सियासी माइन शरीफ तुम माज बिन फस्कुरूनी औ समय तुम गरीब औ शहीद फंदबूनी नहीं तो तुम सी यू में आशूरा जमी हम तंदुरूनी कई पास तस्ती लतिफली साबाऊ अंजर हमूनी। मेरे दोस्तों काश तुम होते 10वीं मुहर्रम को तो देखते मैं अपने छोटे बच्चे के लिए कैसा तड़प तड़प कर पानी मांग रहा था। दो चार जुमले हैं, सुफरा मुझे माफ करें, मेरे बुजुर्ग मुझे माफ करें, मगर मैं क्या करूं, 9वीं तारीख है, मैं रस्मन को मजलिस नहीं पढ़ सकता हूं, इसलिए मुझे भी बारगाह इमाम में मुंह दिखाना है, ताकि मैं भी अर्ज करूं फरजंद रसूल आपका मातम एक ऐवान सिफारत में मुनक़िद हुआ था, मैंने रस्म अदा नहीं की है, मैंने हकीकतन आपका जिक्र किया है, इसलिए इतना अर्ज करूं, यह कह के आए
बहन के करीब और बहन के कान में बड़ी देर तक कुछ कहते रहे। बाहर आए, बहन ने खेमे का पर्दा उठाया, आवाज दी, कोई है मेरी सवारी जलाने वाला? कोई है मेरी सवारी जलाने वाला? हम आ जाऊं? किसी ने जवाब नहीं दिया। ना अब्बास थे, ना अली अकबर थे, ना मोहम्मद थे, ना कासिम इब्न हसन थे। घोड़ा गर्दन डाले करीब आया, इमाम ने रकाब से पांव रखा, पुष्ट जीन पर बुलंद हुए, फरमाया गुलजना ये आखिरी सवारी है। मगर अब गुलजना चुप है, आगे नहीं बढ़ता। इमाम ने फरमाया कि गुलजना चलता क्यों नहीं है? उसने सर को नीचे किया, एक मरतबा देखा तीन बरस की बत्ती गुलजना के कदमों से लिपटी हुई। कह रही अरे बाबा न जा। इलाही